हेलो फ्रेंड्स टुडे आई में डिस्कस अबाउट पेनक्रेटाइटिस पेनक्रेटाइटिस पेनक्रियास एक ग्लैंड है और आइटिस वर्ड लगा हो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन पेनक्रियास ग्लैंड के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो हम उसे बोलते हैं पेनक्रेटाइटिस डेफिनेशन की बात करते हैं पेनक्रेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास द पेनक्रियास इज द ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड टू द स्टोमक जो ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक होती है स्टमक के पीछे लोकेटेड होती है देन इट रिलीज़ द हारमोन्स इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हेल्प यू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड जो हारमोन्स रिलीज करते हैं पेंक्रियाज़ pan वो इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन करते हैं सीक्रेट और देन उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे अब हम बात करते हैं टाइप्स की तो फर्स्ट होता है एक्यूट पेनक्रियाटिस एंड सेकेंड क्रॉनिक पेनक्रियाइटिस तो एक्यूट पेनक्रियाटिस में हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है ये एक्यूट पेनक्रियाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज दैट अकर्ट सडनली एंड यूजली रिजॉल्व इन अ फ्यू डेज विथ ट्रीटमेंट एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इनस विद सीवियर कॉम्प्लिकेशन मीन्स जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन जो कि सडनली होगा और वो कुछ दिनों के अंदर सही भी हो जाएगा अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग डेथ भी हो सकती है उसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है सडन होगा और कुछ दिनों तक होगा ये तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट पैनक्रेटाइटिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टेंट सेकेंड बात करते हैं क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस तो उसमें होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन इज मोस्ट ऑफ टेन हैपेन्स आफ्टर एन एपिसोड ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस मीन्स ये बोल रहा है इसमें कि जो एक्यूट होता है ये लंबे टाइम तक चलने वाला इन्फ्लामेशन है मीन्स जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जो शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा था वो अगर बार बार रिपीट हो उसको हम बोल सकते हैं क्या क्रॉनिक पेनक्रिटाइटिस ओके बात करते हैं कॉजेस के तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल ले रहा है तो उसे भी पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रियाज में प्रॉब्लम होगी बाइलरी डक्ट स्टोन मीन्स बाइलरी डक्ट जिसके अंदर स्टोन हो जाए उसमें भी प्रॉब्लम होगा हेरिडिटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिसीज ट्रांसफ़र हो रही है तो वो भी एक कॉज होता है हेरिडिटी का इन्फेक्शन टू पेनक्रियाज कोई भी पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो रहा हो ट्रोमा टू पेनक्रियाज इंजरी हो जाए पेनक्रियाज में ट्यूमर टू पेनक्रियाज के ये मतलब कि पेनक्रियाज के अंदर ट्यूमर हो जाए सर्टेन मेडिकेशन मेडिकेशन से भी पेनक्रियाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ओके okay, तो ये हमारा था कॉजेज आज अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तो क्या क्या स्टेप होते हैं पेनक्रिटाइटिस होने के फर्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स किसी भी कॉज की वजह से बाइल से पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए डक्ट में स्टोन हो जाए इंजरी हो इन सब की वजह से ब्लॉकेज अकर्स इन पेनक्रियाटिक डक्ट एंड पैसेज ऑफ एंजाइम सिक्रेशन इनकी वजह से क्या होता है एंजाइम सिक्रेशन का जो पैसेज है और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा अब ब्लॉकेज होने से क्या होगा पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेशन एंड पैसेज डिस्टर्ब पेनक्रिएटिक जो एंजाइम है सिक्रेशन एंड पैसेज डिस्टर्ब अगर पेनक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज हो चुका है तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होगा वो सिक्रिएशन ऑफ पैसेज भी डिस्टर्ब होगा मीन्स uh, सही से सीक्रियट नहीं हो पाएगा ओके दिस एंजाइम में डिस्टर्ब डिस्ट्रॉय द पेनक्रिएटिक सेल देन इसके बाद पेनक्रिएटिक एजाइम जब बाहर नहीं जा पाते हैं तो वो टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं और फिर क्या हो जाता है इन्फ्लामेशन अकर्स हो जाता है और फिर इन्फ्लामेशन अकर्स हो जाएगा देन उसके बाद फाइनली हो जाएगा पेनक्रियटाइटिस ओके प्लस डिकलेशन ऑफ स्किन अकॉर्डिंग टू दिस टू टाइप्स ऑफ साइन अकर्स फर्स्ट होगा कोलम्प साइन स्किन डिकलरेशन इन पेरी अम्बलैकल रीजन में होगा दैन सेकेंड है टर्नर्ट साइन वो स्किन डिकलरेशन होगा वो फ्लैंक रीजन में होगा डायग्नोस्टिक रोल्यूशन की बात करते हैं तो फर्स्ट है यू एस डी अल्ट्रा जो हम एबडोमन की करेंगे दैन सेकेंड है सिटी स्कैन एंड एम आर आई ऑफ एबडोमन ई आर सी पी इट इज़ द टेक्निक्स डेट कम्बाइंड द यूज़ एंडोस्कोपी एंड एक्स रे एंडोस्कोपी और एक्स रे का डायग्नोस्टिक करेंगे डब्ल्यू बी सी करेंगे पेनक्रियाज में इंफेक्शन होगा तो डब्ल्यू बी सी इनक्रीज़ हो जाती है ओके सीनम ब्ल का टेस्ट करेंगे ए एस टी एल टी और एल टेस्ट करेंगे कि बाइल डक्ट में ब्लॉकेज तो नहीं है तो उसके लिए हमें सो पता चल जाएगा हम लोग अब तो हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की तो फर्स्ट हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन पेनक्रियाज तो उसमें क्या मेडिसिन दी जाती है सेप्ट्राक जोन देन सेकेंड है एनालैसिक यूज टू ट्रीट पेन एंड स्प के लिए दिया जाता है डाइक्लोफिनिक एंड ट्रामाडोल देन लास्ट है एस टू ब्लॉक और रिड्यूस द इन एक्टिवेशन ऑफ द सप्लीमेंटल पेनक्रियाटिक एंजाइम फॉर्म गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट एसिड को कम करने के लिए देंगे एस्ट ब्रोकर में रेंटेडिन लास्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट फर्स्ट हम बात करते हैं सब टोटल पेनक्रिक्टॉमी ऑपरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ टेल ऑफ द पेनक्रियाज आर कार्ड डिस्टल और सब टोटल पेनक्रिक्टॉमी जो पेनक्रियाज है उसकी बॉडी से टेल तक हम लोग कट कर देंगे रिमूव कर देंगे ओके देन सेकेंड सर्जिकल इंसीजन डन फॉर ड्रनेस ऑफ एकूमलेट फ्लूड मीन्स पेंक्रियाज में फ्लूड एकूमलेट हो मीन्स इकट्ठा हो रहा है उसको बाहर निकालने के लिए हम सर्जिकल इंसीजन कर देंगे ओके तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए